नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाई सेल एक्सेल शीट से बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ, बहुत सारा बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। और कल के लिए मतलब 8 मई 2020 के लिए मैंने दिखाऊंगा ये इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत सारे लेवल्स दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने इसमें बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ, तो इसमें आप लोग कोई भी एक बाय सेल लेवल यूज़ करता है और यूज़ कर सकता है, वो भी अच्छी तरह से काम करेगा। ये आप लोगों को स्टॉक्स मिल जाएगा, फ्यूचर्स मिल जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी स्टॉक्स फ्यूचर्स इक्विटी सॉरी स्टॉक्स फ्यूचर्स कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत सारा लेवल्स मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स में तो मैंने बहुत सारा एक्चुअली मैंने वो वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं कर पाया, वो वीडियो आप लोग को पहले दिखेगा उसके बाद ये वीडियो दिखेगा। तो उसका उसमें भी निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत चार्ट में सॉरी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद बाय सेल लेवल्स भी दिखाया। तो आप लोग बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके सोच लीजिए, इधर 658 वाई दिखा रहा है 658.89 सोच लीजिए 658.90 या 659 और इधर सोच लीजिए दिखा रहा है 695 के ऊपर। तो उधर आप लोग कंपेयर करके देख ले सकते हैं। उसके बाद सोच लीजिए मैंने कैसे ये इसको काम करना है वो दिखाना चाहता हूँ। इसको दिखा रहा है 671 में, ठीक है 671.63 में, तो ये दूर कर रहता है। तो इधर 681 में पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो इधर सोच लीजिए इधर सोच लीजिए 652 दिखा रहा है, तो इसमें आप लोग को क्लोजिंग प्राइस देख लेना है जो 648 600 है, तो 652। तो उसके बाद तो आप लोग क्या इसमें इसके बाद 652 उसके बाद सोच लीजिए इधर कौन सा लेवल पे है इसका, सोच लीजिए 600 652 653 दिख रहा है। तो बेस्ट लेवल होगा कि 652 653 का लेवल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। 648 दिख रहा है 648 655, तो बेस्ट लेवल होगा 653 के से 655 के अंदर जो रेंज है उसका लेवल पे आप लोगों को ट्रेड लेना बेस्ट रहेगा। और भी एक काम कर सकते हैं आप लोग, कोई भी एक यूज़ कर सकता है। तो इसमें देखिए कौन सा नज़दीक दूर रह जाता है, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग प्राइस आप लोगों को देख लेना है और मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है आप लोगों को उसको देख लेना है। तो इसका आप लोग उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। कौन सा 658 का देखा शायद मैंने गलत देखा है, एनीवे दूसरा कुछ का देख रहा था शायद। ओ अच्छा, और फार्मा का, हाँ ठीक ही है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ऐसे करके आप लोग कंपेयर करके ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो और ये जो लेवल्स है गन 360 का फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल, इसके अंदर आप लोग का किस कोई ना कोई लेवल आ जाएगा। गैप और गैप डाउन होगा तब भी आप लोग को कोई ना कोई लेवल आप लोग को मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने जो इसके वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स दिखाता हूँ इस फाइल इस सीट से जो वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल्स दिखाता हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इधर से भी आप लोग लेवल देख सकता है, इधर से भी आप लोग लेवल देख सकता है। तो इसको भी आप लोग करके कंपेयर करके बहुत सारा लेवल्स कंपेयर करके आप लोग एक सूटेबल जो नज़दीक वाला रहता है उसके अंदर एक लेवल्स पे आप लोग ट्रेड ले सकता है। और नहीं तो कोई भी एक लेवल पे भी काम आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को चलेगा। नहीं तो क्या होता है, आप लोग कोई भी लेवल काम नहीं करेगा तो मेरे को ज़रूर फीडबैक देंगे। एटलीस्ट 95% के ऊपर ये काम ही करता है। तो इसमें इतना सारा लेवल्स आप लोगों को मिल जाएगा
इतना सारा स्टॉक्स, बहुत सारा स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाए। आप लोग जिसके लिए ये पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन जब भी अपलोडेड होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बाय ट्रेडिंग लेवल्स क्या होता है होगा नेक्स्ट डे में तो वो भी देता हूँ, वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव वीडियो कुछ बनाता हूँ लाइव मार्केट में कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है इंटरडे में पेयर ट्रेडिंग को काम पे लगा के निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में और ऑप्शन ट्रेडिंग में वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वैसे लेवल कैसे काम करता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसमें आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है और इसका आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, बहुत ही कम में आप लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है तो वो आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सीखना मिल जाएगा इधर और इसमें। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा। आप लोगों को सब टेक्निक आप लोग लाइव मार्केट में अच्छी तरह से हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, इसके अलावा कोई भी चार्ट सेटअप आप लोग चुन लीजिए। और जो ये मैंने गन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरा जो कैलकुलेशन है ये मेनली गन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतना मतलब कुछ लोग समझता है बहुत ईजी है। मैंने वेबसाइट में प्री वेबसाइट में जाके वैल्यू बैठा दिया और ये गन ऐसा नहीं है, जैसे वोलेटिलिटी गन बहुत तरीका से हुआ, एक पास सब्जेक्ट है, इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और गन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही एंगल से मैंने मेरा हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन यूजिंग गन डायनामिक गन लेवल्स वो आप लोग जरूर देख लीजिए, पावर ऑफ कैन एंगल्स वो भी आप लोग जो उसमें से आप लोग कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लीजिए, बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा आप लोगों को लाइफ टाइम आप लोगों को प्रॉफिट। गन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और वोलेटिलिटी बेस्ड मतलब वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है ये, तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। आप लोगों को सामने रेगुलर बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग में दिखाता हूँ, आजकल में लेवल आया नहीं है लेकिन पेयर ट्रेडिंग में मैंने दिखाया हूँ कैसे। और आप लोग बहुत सारे लोग आर्बिट्रेज को पसंद करते हैं तो मैंने बोलता हूँ कि इसमें आप लोग पेयर ट्रेडिंग को ले लीजिए, इसमें पेयर ट्रेडिंग को अपना लीजिए तो इसमें आप लोगों को बहुत आसानी से प्रॉफिट आ जाएगा। आर्बिट्रेज में इंटरडे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लेकिन पेयर ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी से प्रॉफिट देता है 80-90% का। आप लोग स्टॉप लॉस लगा के कैसे स्टॉप लॉस लगा के किसको किस स्टॉक्स में कैसे काम करना है, कितना कौन सा क्वांटिटी एडजस्ट करना है, ये सब मैंने डिटेल्स में दिखाता हूँ लाइव डेमो में, तो आप लोग देख लीजिए। पर्टिकुलरली आज का वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे ट्रेडिंग इंटरडे में प्रॉफिट हो सकता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल तो आज आया नहीं है, क्या करें उसका स्मार्ट ग्रिड साइडवेज था एनीवे। तो और आप लोग मेरा जो यूट्यूब वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वो आप लोग जो जरूर देखिए। और ये जो वीडियोस है सब्सक्राइब करिए, आप लोग को रेगुलर बेसिस पे फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारा स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी एक दिन का काम आप लोग को किसी आदमी का आराम से हो जाएगा इंटरडे में मार्केट ओपन होने के बाद। और आप लोग को सोच लीजिए आप लोग ये फॉलो कर रहा है लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्टॉक्स में, और फार्माइस कॉर्सन है टीटेक सट्टी फिनांस और भी फ्यूचर्स लेवल्स दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा। तो आप लोग मार्केट आवर्स में मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और मेरा सोच लीजिए किसी भी टाइम मैंने यूट्यूब वीडियो में नहीं डाल पाया तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज में जरूर डालूंगा, फेसबुक पेज में ट्विटर में ये सब में आप लोग लाइक करके रखिए तो आप लोग को बस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और ये सब लिंक आप लोग को इम्पोर्टेंट लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग कुछ दिन ट्रायल रूम देख सकता है। और ये जब कॉल सर्विस दूंगा ये पूरा फाइल मैंने आप लोग को दे दूंगा, वो फाइल जब दे दूंगा तो आप लोग को उसके बाद मेरा फाइल अपडेट टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में अपडेट भी करूंगा, मेरा गाइडेंस भी रहेगा कि स्टॉक्स में आप लोग जो लोग जो सेगमेंट में काम करना चाहता है उसका हिसाब से मैंने गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो और ये वीडियो ये स्क्रीनर में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है वो इसका एक वीडियो है, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिए। और
और जो है इसका फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, उसमें आप लोग को क्या क्या है कैसे स्क्रीनिंग करना है आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ही रिसोर्सफुल है दोस्तों, आप लोग इसका अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप लोग पिछले डेट से आप लोग कंपेयर करके देख सकता है, चार्ट पे लगा के लेवल्स देख के चार्ट पे लगा के देख सकता है, तो आप लोग को आप लोग समझ जाएंगे। इसमें आप लोगों को फ्री में इतना सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ सीखने के भी मिलेगा और चार्ट का सेटअप्स भी मिलेगा। ओके, तो मैंने आज का सेशन आप लोगों को शुरू करता हूँ। देखिए बाई सेल लेवल वन में इसका क्या है, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है और टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है, ठीक है। सेल का भी ऐसा है और इसका गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, पहले देख लेना है कौन सा लेवल पे है। सोच लीजिए 662 और 664 के अंदर है तो 664 को क्रॉस होने के बाद आप लोग ले सकता है, नहीं तो 600 सोच लीजिए 662.50 गया है क्या 662.80 गया है, ठीक है। तो तब तक ये चलेगा, एक दो पॉइंट के लिए, दो पॉइंट के लिए चलेगा, ठीक है इंटरडे में। लेकिन जब 663 के ऊपर चला जाएगा तो उसका ये लेवल छोड़ देना ही अच्छा है, 664.25 या 630 क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे देखना सही रहेगा। और किसी को लग सकता है ना मेरा बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग उसका लिए इंतजार करना पड़ेगा, आएगा तो ट्रेड होगा नहीं तो नहीं होगा। एनीवे उसके बाद ऐसे करके आप लोगों को सभी लेवल पे काम करना है। इसके बाद बाइसल लेवल टू, इसके बाद बाइसल लेवल टू, इसके बाद बाइसल लेवल थ्री, क्यों दिखाता हूँ क्या सब कुछ मैंने आप लोग को बोल दिया। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर भी लगा हुआ है, आप लोग इसका कैसे स्क्रीनिंग करना है आप लोग देख सकता है। और मैं आप लोग किसी ने चाहेंगे तो आप लोग को मैंने लाइव डेमो दिखा दूंगा। ये स्लाइस लेवल थ्री है और लाइव डेमो दिखा दूंगा। ये पिवट पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग टेस्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है ये बोलिंजर बैंड, ये भी काम पर है। प्राइस चैनल ये भी काम पर है और इधर से बी डब्ल्यू ए पी का वैल्यू भी आप लोग को मिल जाएगा। लाइव मार्केट में जब अपडेट कर लूँगा और भी मिल जाएगा आप लोगों को। और इधर गन एंगल का सपोर्ट, गन डिग्रीज का जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इधर सब लेवल से ये गन स्क्वायर ऑफ नाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंसेशन सपोर्ट है। और ये है मुरिस का मैथमेटिकल्स लेवल्स, मुरिस मैथमेटिकल लेवल्स में ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन समझना चाहिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस बीच में रहेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहेगा, तो आप लोगों को देख लेना है। सोच लीजिए इधर ऑरो फार्मा कौन सा लेवल पे क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग कितना में है, ऑरो फार्मा क्लोजिंग है 649 में, तो इसका मतलब है ये कौन सा लेवल पे है आप लोगों को देख लेना है। सोच लीजिए इधर 650 इस लेवल पे है, तो इसका ऊपर का जब 650.50 का जब ऊपर जाएगा तो आप लोग 656 मिल सकता है। और गैप अप और गैप अप हो गया तो सोच लीजिए 663 के लिए, सोच लीजिए 660 का ऊपर गया है तो ये 663 के लिए आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद 669 के लिए ऐसे करके आप लोग नीचे जाएगा तो 644 के नीचे जाएगा तो आप लोगों को 637 का मिलेगा, ऐसे करके आप लोगों को ट्रेड लेना है। और इसमें कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स है वो दिखाता है, ये कुछ नहीं है, वो कौन सा लेवल पे एक्चुअली लाई करता है मुरेस लेवल के हिसाब से। और ये देखिए गान का डिग्री में कौन सा लेवल पे है, कौन सा डिग्री पे है गान का वो दिखा रहा है और कितना टाइम गान टाइम एंड प्राइस स्क्वायर का जो है आप लोग भी खुद यूट्यूब वीडियो का चैनल में सर्च कर सकता है, इसमें आप लोग को बहुत सारा निकलेगा, आप लोग को भी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग ले सकता है, उन लोग का ट्रेनिंग में कैसा सिखाया जाएगा, क्या कितना खर्च करना पड़ेगा वो भी आप लोग देख सकता है, उसके बाद मेरा देख सकता है। एनीवे इसका ये कितना टाइम पर ये चेंज हो सकता है उसका भी दिखा जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री का 360 का एनालिसिस है, अपसाइड और अपसाइड फर्स्ट साइकिल और डाउनसाइड फर्स्ट साइकिल। और इसमें अगर रिटेस्ट होगा तो इसमें रिटेस्ट हो जाएगा, मतलब सोच लीजिए 621 के ऊपर 627 गया है, ठीक है 627 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके उस बाद थोड़ा सा सोच लीजिए 613-604 के रिटेस्ट होकर आया है, फिर से ये ऊपर जा रहा है तो 613 जब क्रॉस होगा तो फिर से आप लोग ट्रेड ले सकता है।
तो ऐसे करके आप लोग को समझ लेना है। जो लोग समझ में नहीं आएगा तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को ये फ्री में नसरा मिल जाएगा। किसी का जो लोग जितना किसी ने मैंने इसको सभी का सोच के बना है, सभी का सोच के बना है, और इसमें कौन सा लेवल अपटेंड में है गान का ही सबसे ये भी दिखा रहा है, इधर अपटेंड में है कौन सा डाउन टेंड में है, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए, किसी लोग इक्विटी सेगमेंट में काम करता है, किसी लोग इक्विटी में काम कर सकता है, किसी काम करना पसंद करेगा, किसी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करेगा, किसी लोग फ्यूचर में काम करना पसंद करेगा। तो सभी का इसमें इसका सभी का लिए इसमें लेवल्स मिलेगा। और ये हाँ, ये सच है कि लाइव मार्केट में अपडेट करने से सुविधा होता है, बहुत ही सुविधा होता है, तो इसलिए आप लोग कॉल सर्विस या ट्रेनिंग ले सकता है। तो आप लोग भी कुछ कर सकता है ट्रेनिंग लेकर, नहीं तो आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है, और नहीं तो इसका जो एंड ऑफ द डे जो अगला दिन जो दिखाता हूँ वो लेवल भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। मैंने आज भी दिखाया, आज का वीडियो जो है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन इंटरडे इन निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उसमें भी आप लोग को अगला दिन का फाइल का हिसाब से भी दिखा दिया। तो और भी मेरा टूडेज परफॉर्मेंस वाला और भी वीडियोस है, उसमें भी आप लोग देख सकता है, आप लोग खुद चेक कर सकता है। मेरा जो हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन थ्रू गन यूजिंग गन डायनामिक गन लेवल्स, वो वीडियो वाला देख सकता है, उसमें भी पिछले वाला रिकॉर्ड मैंने दिखाया है कैसे परफॉर्म करता है। ये सब लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कीजिए दोस्तों, मैंने तो बोलते जाता हूँ लेकिन आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा तो आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें कमोडिटी का दिखाता हूँ, कमोडिटी का जो दिखाता है कमोडिटी, ये भी बहुत ही, जो लोग कमोडिटी ट्रेड करना चाहता है ये भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। कमोडिटी का पूरा आप लोग को मिल जाएगा सभी कमोडिटी का लेवल्स। हाँ, लाइव मार्केट में अपडेट करने से, लाइव में ट्रेड देने से सुविधा होता है, तो इसीलिए आप लोग खुद सीख ले सकता है, नहीं तो मेरा कॉल सर्विस ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक एक करके या कोई ग्रुप में तो मैंने फ्री नहीं चला पाऊँगा ना। और इसमें आप लोगों को फायदा इसमें 10 गुना है, 10 गुना मैंने 100 गुना का ज़्यादा है। आप लोग एक नॉमिनल कॉस्ट लेके आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सक कर गया है। जो लोग मेरा सर्विस लिया है वो लोग जानता है। तो इसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरा कुछ नॉमिनल कॉस्ट में। हाँ, मैंने जरूर इसमें कुछ फ़ायदे के लिए करता हूँ, तो लेकिन आप लोग का फ़ायदा तो 10 गुना है। आप लोग कुछ ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप लोग को कुछ देना पड़ेगा, तो आप लोग का फ़ायदा होगा उससे एक मोबाइल से, तो आप लोग का हाँ रिटेलर को कुछ सोच लीजिए, 100 रुपया फ़ायदा हुआ है क्या, 200 रुपया फ़ायदा हुआ है कि 1000 रुपया फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप लोग का फ़ायदा क्या, उसका जो सर्विस आप लोग को मिल रहा है उसका कीमत तो उसमें के पास तो कुछ नहीं है ना। एक कंप्यूटर खरीदने से, कंप्यूटर से लोग लाखों रुपया कमाता है, तो रिटेलर को 5-10 हज़ार कुछ कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। एनीवे, इसके बाद मैंने 100 डे ईमेल स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, 100 डे, लेकिन ये जो फ्री में आप लोगों को देता हूँ उसके बाद छोड़िए, आप लोगों को ये फ्री में देते जाऊंगा तो मेरा क्या वो बाद में देखें जो मतलब उसमें मैंने बात ही नहीं कर, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग सोचेंगे तो फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग तभी आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आप लोग बहुत सारे लोग आदमी मतलब
जानता है जान मतलब जानता नहीं है मतलब समझता नहीं है। तो समझता जब समझेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें। कुछ लोग सोच लीजिए जानता नहीं। मैंने हम लोग कुछ दो वीडियो देखता हूँ, कुछ ये वीडियो फालतू है कुछ नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ बहुत अच्छा चीज़ निकल सकता है। तो ऐसे करके मैंने इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग इसको देखिए समझिए, उसके बाद देखिए ये जो 100 डे स्ट्रैटेजी है, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, आज का डेली कैंडल का जो 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है उसका हाई लो जब नेक्स्ट डे में ब्रेक होगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट देता है। ये कैडिला हेल्थ में हुआ है आज, इसमें CSC में आज भी हुआ है, मतलब क्रॉस नहीं कर पाया इसीलिए अगला दिन का दिखा रहा है, उसका रेंज का अंदर ही रह गया। और इसका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज दिखा रहा है आज, ये ना है करीला हेल्थ भी ना था, ये तीनों दिखा रहा है। यानी इसके बाद मैंने इंसर्ट द बार सॉरी अच्छा है आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा, आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट को आप लोग को मिल जाएगा। इसमें से जो लोग आर्बिट्रेज पेयर ट्रेडिंग करना चाहता है इस फाइल से मिल सकता है। और कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग देखिए, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में पहले तो आप लोग का कितना कोरिलेशन है, किसके अंदर कितना क्या कोरिलेशन है, वो आप लोग को जो 90% के ऊपर है मैंने हाईलाइट करके रखा है, लेकिन 85, 80 to 88% भी चलेगा, वो भी अच्छे तरह से मूव कर सकता है। और कैसे मैंने इसका ट्रेड करना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, वो भी मैंने आज का वीडियो में मैंने दिखाया है। मैंने पिछले वाला वीडियोस भी दिखाया है कि मैंने बहुत सारा पुराना वीडियो है वो आप लोग सर्च कर देख सकता है, पेयर ट्रेडिंग से पेयर ट्रेडिंग वाला वीडियो, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंटरडे इन पेयर ट्रेडिंग, वो भी मैंने दिखाया है। तो इसका जो देखिए जो 80% के ऊपर है तो उसका आप लोग को 80% 85% के ऊपर चलेगा, 90% होने से अच्छा होता है लेकिन 80 85% भी चलेगा। तो इसका जो कौन सा स्टॉक्स को इसका अंदर पेयर का कौन सा स्टॉक्स को बाई करना है, कौन सा स्टॉक को सेल करना है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा, इंटरडे में भी मिल जाएगा, मैंने लाइव मार्केट में भी अपडेट करता हूँ। उसके बाद आप लोग फ्यूचर में इसको कर सकता है, कैश में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी एंड सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट वे है, आर्बिट्रेज से भी बहुत ही सेफेस्ट है इसको। और इसमें जो लोग डिलीवरी करना चाहता है उसके लिए 7 डेज 5 15 डेज 30 डेज का हिसाब से कैसे चेंज हुआ है उसको देख लेना पड़ेगा। थोड़ा सा स्प्रेड अच्छा होने से मतलब सोच लीजिए 2.5 ACC 2.5 गेन कर किया है, और अम्बुजा सीमेंट सोच लीजिए 0.5 गेन किया है, तो आप लोगों को 2% का मतलब इसको इस ACC को सेल करेंगे और अम्बुजा सीमेंट को बाई करेंगे तो एटलीस्ट आप लोग 2% का प्रॉफिट एक्सप्रेस कर सकता है। मैंने आज SPCL और BPCL को मैंने दिखा दिया कि कैसे इसमें इसके अंदर एटलीस्ट 4% का मतलब डिफरेंस था, ये लूज किया था ऑलमोस्ट 4% और वो गेन किया था ऑलमोस्ट 0.22% ऐसा कुछ। BPCL गेन किया था 4% और सॉरी लॉस लूज किया था और ये गेन किया था, तो उसके बाद इसका बाय किया इसका सेल किया तो अच्छा मूवमेंट दे दिया है। तो इसमें एक फ्यूचर में और सेफ भी होता है क्योंकि लॉस होगा तो वो भी कम होता होगा, ठीक है ना। इसके बाद इनसाइड द वार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये भी आप लोग को एक चीज़ मिल जाएगा जो बहुत सारे लोग ऑनली इसके ऊपर कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, NR4 NR7 आप लोग को मिल जाएगा, अम्बुजा सीमेंट का लिए NR4 NR7 दोनों ही बना है। तो इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा अच्छा मूवमेंट देगा। इनसाइड द बार जो है इसमें अपोलो हॉस्पिटल में इनसाइड द बार है 1 डे का हिसाब से, तो अगला दिन का जो कैंडल आज का कैंडल और नहीं नहीं जो आज का कैंडल छोड़ के जो अगला दिन का कैंडल का जो हाई लो ब्रेक करेगा तो उसका आप लोग को उसका ट्रेड लेना है। बजाज ऑटो में बना है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बना है, बटा इंडिया में बना है, NR4 NR7 भी हुआ है, ठीक है, ये सब आप लोग को मिल जाएगा। और ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ, और इसमें और भी कुछ दिखाना है वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इधर ACC में हाई लोस लगातार 3 दिन से बंद रहा है, तो इसका जब हाई ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। और मुझे सीमेंट भी ऐसा हो रहा है तो इसमें बहुत ही अच्छे तरह से पेयर ट्रेडिंग भी हो सकता है, देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा गेन किया है, कौन सा ये किया है, कितना परसेंट का डिफरेंस है, वो देख के बहुत ही अच्छी तरह से पेयर ट्रेडिंग मतलब करना कर सकता है। एशियन पेंट में बना है, लोअर हाई लोअर लॉस लगातार 3 दिन से, इसका जब ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा।
इधर इन्वर्टेड हैमर है, इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है। इन्वर्टेड हैमर इसमें अमराइजर बैटरी में, और क्या दिखा रहा है कुछ इधर? पॉजिटिव हैमर हैंगिंग बार इन्वर्टेड हैमर के अंदर। हाँ पॉजिटिव हैमर इधर हिंद पेट्रो में बन रहा है, पॉजिटिव हैमर सॉरी हिंदुस्तान लीवर में पॉजिटिव हैमर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर इन केस ये सब मैंने आप लोग स्टॉक्स का पास में ले जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। और मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट ये भी बहुत ही अच्छा है। मास्टर लॉन्ग का हाई ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा, मास्टर शॉर्ट का हाई का ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। बुलिश एनगल्पिंग देखिए का सुपर बना है, और शेकआउट ये सब लॉन्ग स्टेल कैंडल स्टिक पैटर्न 50-50 सभी स्टॉक्स आपको पैटर्न आप लोगों को काम पे आएगा। डार्क क्लाउड कवर ये डार्क क्लाउड कवर जब ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है, हो सकता है एक दिन में नहीं हुआ लेकिन एक दो दिन में जरूर आएगा। ये बियरिश आर्मी ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ठीक है। इसका और भी कुछ दिखाई दे सकता है, मैंने स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ उस सारा, एक्चुअली देर हो चुका। कोल इंडिया में गैप डाउन हुआ है, इसको देखना पड़ेगा कैसे ट्रेड करना है। गैप अप गैप थ्योरी कैसे, मतलब गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग होता है। गैप ट्रेडिंग को गैप जो होता है उसको बहुत तरीक़े से काम पे लगा सकता है। कभी उसका गैप का फिलिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कभी गैप गैप जो है उसका वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत सारा चीज़ है गैप थ्योरी का, गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का। एनीवे इसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म कुछ व्यू दिखाऊंगा, मतलब फिबोनाची मैंने सॉरी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी लेके दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का फिबोनाची लेवल 7 दिन का हिसाब से देखिए, 7 दिन का हिसाब से बाई दिखा है 9706। तो उसके बाद जब क्रॉस करेगा आप लोग सोच सकता है ये ऊपर जा सकता है, तो नीचे 8957। तो ये सब लेवल्स आप लोगों को जब दिमाग पे रहेंगे तो आप लोगों को काम पे आएगा। 5 डेज का हिसाब से बना है, 2 डेज का हिसाब से बना है, 3 डेज का हिसाब से बना है, 2 डेज का हिसाब से और 1 डेज का हिसाब से, तो मतलब नेक्स्ट डे में कल काम करने के लिए ठीक है। और इसके बाद 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से भी मैंने बना के रखा है। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ क्योंकि पहले तो ज़्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी देखता है, और उधर मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग कॉल लिया है। स्टॉक को दिखाऊंगा तो इतना सारा स्टॉक्स को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्क्रीनिंग करना पड़ता है, इसीलिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर दिखाता हूँ। ये CPR पिवट पॉइंट का है और ये सेक्शन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यही मैंने प्रेफर करता हूँ कि ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची ये डायनेमिक लेवल होता है। पहले इसका कैलकुलेशन कर लिया, इसका वोलेटिलिटी कैलकुलेशन कर लिया, लॉगरिथमिक रिटर्न देखिए, ये सब फार्मूला आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोग को सिखाया जाएगा। लॉगरिथमिक रिटर्न लिया, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डिविएशन लेना पड़ता है, उसके बाद इसका फिबोनाची इसका फैक्टर देखे कि कितना रिट्रेसन हो सकता है, फिबोनाची गान का फैक्टर ठीक है, गन लेवल्स फिबोनाची ये सब पूरा वोलेटिलिटी बेस्ड है, ये बहुत ही एक्यूरेसी के हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ये सब लेवल्स आप लोगों को इसी वेबसाइट में क्या पर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। गन और फिबोनाची इतना मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन इतना मतलब आसान चीज़ भी नहीं है, इसका अंदर घुसना पड़ेगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसको स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इतना बहुत सारा लोग का हो सकता है, मेरा आइडिया नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बहुत ही ईजी समझ सकता है कि ये इसमें तो गान का लेवल को मैंने अपनी वेबसाइट में मिलता है, मैंने बैठा देता हूँ उसका लेवल आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। और ये जो लेवल्स है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो लेवल्स है ये वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स है। एक्चुअली मैंने एक इंडिकेटर को मैंने इसका मंदर जो फैक्टर है उसका मैंने मेरा चार्ट पे है उसको इसमें कैलकुलेट कर लिया है, उसमें वोलेटिलिटी के वोलेटिलिटी बेस्ट कर लिया है। और इधर से आप लोग को इसका प्रोबेबिलिटी वोलेटिलिटी बेस्ट फिबोनाची लेवल और वोलेटिलिटी बेस्ट गान डिग्री का लेवल्स पे मतलब गान डिग्री का हिसाब से ये फिबोनाची का हिसाब से ये अप या डाउन दिखा रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल से ये आप प्रोबेबिलिटी है या डाउन प्रोबेबिलिटी है ये दिखा रहा है। एनीवे और जो और कुछ दिखाना का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी इसका वीडियो ख़त्म करता हूँ, आप लोग इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, उसके बाद फिर से आप लोग के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। धन्यवाद।